तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर एशियन गेम्स 2023 के लिए क्या होने वाली है भारतीय टीम की प्लेइंग 11, टीम इंडिया के वो कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे एशियन गेम्स 2023 में खेलने के लिए, जहाँ एशियन गेम्स 2023 में सभी टीमें मेडल्स के लिए खेलेंगी। और एशियन गेम्स 2023 एशिया का एक ओलंपिक्स है जिसमें क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, टेनिस, सभी तरह के सभी तरह का खेल खेले जाएंगे, जिसमें क्रिकेट भी खेला जाएगा और भारतीय टीम पहली बार इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एशियन गेम्स 2023 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का स्क्वाड ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया था। 15 खिलाड़ियों का मेन स्क्वाड जबकि 5 रिजर्व, 5 बैकअप खिलाड़ी भी चुने थे। जहां एशियन गेम्स 2023 के लिए भारतीय टीम का कप्तान पहली बार ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया है। इसके अलावा टीम में एसीसीवी जायसवाल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, जितेश शर्मा समेत कई शानदार और जबरदस्त युवा खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तो वहीं रिंकू सिंह को भी पहली बार भारतीय टीम स्क्वाड में जगह मिली है। जहां एशियन गेम्स 2023 इस बार चीन यानी कि चाइना में खेला जाएगा, जो कि चाइना के हांगझू शहर में खेला जाएगा एशियन गेम्स 2023। अब यह इवेंट 19 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है, जो 8 अक्टूबर 2023 तक खेला जाएगा चाइना में। लेकिन मेंस क्रिकेट कॉम्पिटिशन एशियन गेम्स 2023 में 28 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है, जो 8 अक्टूबर 2023 तक खेला जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं एशियन गेम्स 2023 के लिए टीम इंडिया की कंफर्म प्लेइंग 11। लेकिन उससे पहले अगर आप भी डेली आईपीएल और क्रिकेट की वर्ल्ड में सबसे फास्ट, सबसे पहले हर एक न्यूज अपडेट्स और वीडियोस बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में पाना चाहते हैं तो भी फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिन कर दिया है। वहां पर सभी जगह से पहले हर एक अपडेट्स दी जाती है, यहां से पहले भी अपडेट्स वहां पर आपको मिल जाएगी। पढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो बात करते हैं एशियन गेम्स 2023 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। तो सलामी जोड़ी के तौर पर नंबर 1 पर होंगे ऋतुराज गायकवाड़, जो एशियन गेम्स 2023 में ना सिर्फ बतौर ओपनर खेलेंगे बल्कि कप्तानी की भी जिम्मेदारी निभाने वाले, इन्हें कप्तान चुना गया है। जबकि इनका साथ निभाएंगे नंबर 2 पर यशस्वी जायसवाल, टीम इंडिया के जबरदस्त युवा ओपनर बल्लेबाज। ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया की तरफ से पारी की शुरुआत करने वाले हैं एशियन गेम्स 2023। इसमें बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पर होंगे राहुल त्रिपाठी, जो करेंगे वन डाउन की बल्लेबाजी, इन्हें भी टीम में चुना गया है। जबकि नंबर 4 पर होंगे तिलक वर्मा, बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। अगर हम बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे रिंकू सिंह, जो कि बेहतरीन फिनिशर माने जाते हैं केकेआर की तरफ से। आईपीएल 2023 में काफी शानदार फिनिशर की भूमिका निभाई थी, जबरदस्त लय में भी चल रहे हैं। बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे जितेश शर्मा, बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर। जबकि नंबर 7 पर होंगे वाशिंगटन सुंदर, स्पिनर ऑलराउंडर। अगर हम बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे शिवम मावी, बेहतरीन युवा तेज गेंदबाज। तो वहीं नंबर 9 पर होंगे रवि बिश्नोई, जबरदस्त स्पिनर। नंबर 10 पर होंगे अवेश खान, तेज गेंदबाज। और नंबर 11 पर होंगे अर्शदीप सिंह, बेहतरीन फास्ट बॉलर। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 एशियन गेम्स 2023 के लिए, जहां टीम इंडिया इन्हीं 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने वाली है। अगर हम बात करें चेंजेस और ऑप्शन की, तो आप रिंकू सिंह की जगह पर शिवम दुबे को भी खिला सकते हैं, जिन्होंने सीएसके के लिए काफी शानदार प्रदर्शन किया था। तो शिवम दुबे और रिंकू सिंह, इन दो में से किसी एक को खिलाया जाएगा सिचुएशन और कंडीशन के अनुसार। जबकि आप कुछ मैचों में मुकेश कुमार को भी मौका दे सकते हैं। तो ये टीम इंडिया की कंफर्म प्लेइंग 11 एशियन गेम्स 2023 के लिए। आपके अनुसार टीम इंडिया की ये प्लेइंग 11 कितनी स्ट्रांग, कितनी मजबूत है? क्या एशियन गेम्स 2023 जीत पाएगी या फिर नहीं टीम इंडिया?